नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश, आप देख रहे हैं गीकाचार और आज बात करेंगे एंड्रॉयड क्यू की। दोस्तों, गूगल ने 3 सितंबर को एंड्रॉयड क्यू लॉन्च कर दिया अपने पिक्सल डिवाइसेस के लिए। ये साथ में ही अवेलेबल था एसेंशियल फोन्स के लिए, पर ये दोनों कंपनीज मिला के भी जो टोटल एंड्रॉयड की डेमोग्राफी है उसका 1-2% ही बनाती है। तो मतलब बहुत कम लोगों के पास एंड्रॉयड 10 अभी अवेलेबल है। आप मुझे कॉमेंट्स में बता दीजिएगा अगर आपके पास एंड्रॉयड 10 आ गया या नहीं आया। बेसिकली एंड्रॉयड 10 के साथ बहुत सारे चेंजेस आए हैं और इन सारे चेंजेस को मैं कैटेगरीज में डिवाइड करके आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रांडिंग की। जो सबसे बड़ा चेंज आया है एंड्रॉयड क्यू में वो है ब्रांडिंग का। अभी तक क्या होता था कि एंड्रॉयड के अंदर आपको एक गुड्डा सा मिलता था, उनका जो लोगो था वो एक गुड्डा सा था, पूरा एंड्रॉयड था ग्रीन कलर का। अभी एंड्रॉयड क्यू ऑनवर्ड्स, एंड्रॉयड 10 ऑनवर्ड्स आपको सिर्फ उसका सर मिलेगा और फॉन्ट्स में भी कुछ चेंजेस किए हैं गूगल ने। तो बेसिकली इसके जो एंड्रॉयड पूरा बड़ा सा था उसको थोड़ा छोटा करके उसका सिर्फ सिर यूज़ किया है और जो फॉन्ट्स हैं उसमें भी थोड़ा सा ट्वीक करके आपको मॉडिफाइड एक नया डिज़ाइन दिया है और साथ में कलर को भी थोड़ा सा ट्वीक किया है। वो जो ग्रीन कलर पहले बहुत ज़्यादा ब्राइट होता था, अभी उसे थोड़ा ब्लूइश ग्रीन कर दिया, थोड़ा सी ग्रीन, ओशन ग्रीन टाइप का हो गया है। तो वो काफ़ी मस्त लग रहा है मुझे एंड्रॉयड का ब्रांडिंग। आपको कैसा लगा ये भी मुझे बता दीजिएगा कॉमेंट्स में। साथ में जो ब्रांडिंग में चेंज आया है वो ये बेसिकली एंड्रॉयड क्यू ऑनवर्ड्स आपको जो पहले डेजर्ट के नेम हुआ करते थे जैसे कि नोगट हुआ, ओरियो हुआ, मार्शमेलो हुआ, तो फाइनली ऐसा लगता है कि गूगल को ये पता चल गया है कि कुछ लोगों के लिए इस तरह के डेजर्ट्स के नाम प्रोनंशिएट करना काफ़ी मुश्किल है और इसलिए उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया है कि एंड्रॉयड क्यू ऑनवर्ड्स आपको एंड्रॉयड क्यू नहीं बल्कि एंड्रॉयड 10 मिलेगा। मतलब कि अब नंबर्स यूज़ किए जाएंगे, एंड्रॉयड 10, 11, 12, 13 ऐसे जैसे कि iOS में होता है। अब दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है यूज़र इंटरफेस की, क्योंकि वही वो चीज़ है जिस पे आप सबसे पहले गौर फरमाएंगे, सबसे पहले आप उसे ही देखेंगे। तो अगर आपने MIUI 9 यूज़ किया है या फिर आप iOS से वाकिफ है तो आपको पता होगा कि फुल स्क्रीन जेस्चर पहले से वहाँ पे अवेलेबल है MIUI 9 के अंदर भी और कई सारी ऐसी रूम्स हैं, क्योंकि एंड्रॉयड ओपन सोर्स है और कई सारे मैन्युफैक्चरर्स उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके देते हैं, इसलिए कई सारे मैन्युफैक्चरर्स ने एंड्रॉयड 9 के वक्त में ही फुल स्क्रीन जेस्चर्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे। अब 10 में गूगल ने फाइनली एंड्रॉयड के अंदर फुल स्क्रीन जेस्चर्स इंट्रोड्यूस कर दिए। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप स्क्रीन की एजेस से, लेफ्ट या राइट एज से आप स्वाइप करोगे तो आप बैक एंड फॉरवर्ड जाओगे। नीचे एक बार होगा जिसमें नीचे एक छोटा सा पतला सा बार होगा जैसा कि iOS में होता है, अभी एंड्रॉयड में भी है। तो उससे जब स्वाइप अप करोगे तो आप होम में चले जाओगे और किसी भी स्क्रीन के बॉटम साइड में किसी भी एज से, जो भी साइड्स हैं उनसे ऊपर की तरफ डायगोनली स्वाइप करोगे तो आपको गूगल असिस्टेंट मिल जाएगा। तो इस तरह के कुछ फुल स्क्रीन जेस्चर्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। दूसरा यूज़र इंटरफेस में जो आपको खास चेंज दिखेगा वो है थीमिंग का। अभी तक हम क्या करते थे, मैं पर्सनली सबस्टार्टम यूज़ करता था थीम करने के लिए अपने फ़ोन को। अभी आपको नेटिवली एंड्रॉयड के अंदर ही थीम अवेलेबल है पर बहुत ही बेसिक सी थीम ऑप्शंस है, जैसे कि अगर आपने कोई और OS, कोई और रोम यूज़ किया हो जैसे कि MIUI फॉर एग्जांपल या फिर सैमसंग का आपने OneUI यूज़ किया हो तो वहाँ पे नेटिव थीम्स जो होती हैं वो काफ़ी सालों से चली आ रही हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं, पर एंड्रॉयड 10 के अंदर जो नेटिव बेसिकली नेटिव थीमिंग अवेलेबल होने से ये बहुत ज़्यादा लोगों के पास अवेलेबल हो जाएगा। और अभी ये काफ़ी बेसिक सा है पर काफ़ी वाइड स्प्रेड है। मतलब कि अब अगर डिस्प्ले के अंदर आप अगर लाइट सेलेक्ट करोगे तो जितने भी ऐप्स हैं, जितनी भी सेटिंग्स वगैरह हैं सब लाइट हो जाएंगे, और अगर आप डार्क सेलेक्ट करोगे तो जितने भी ऐप्स हैं वो नेटिवली डार्क हो जाएंगे। आपने नोटिस किया होगा कि गूगल के बहुत सारे ऐप्स जैसे कि मैसेजेस ऐप्स जो है, SMS वाला ऐप है, उसके अंदर डार्क थीम बहुत पहले से काफ़ी महीनों से अवेलेबल थी। तो आपने अगर डार्क और लाइट उसमें स्विच करके देखा होगा तो आपको पता है कि बेसिकली ऐप्स में ये कैसे काम करेगा। तो ये दो यूज़र इंटरफेस लेवल पे चेंजेस थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी, अगर आप डार्क थीम यूज़ कर रहे हैं और आपके पास AMOLED स्क्रीन है तो आपके लिए सच में मतलब रियल लाइफ बेनिफिट्स होगा, क्योंकि AMOLED स्क्रीन में बैटरी सेविंग काफ़ी अच्छी करता है डार्क थीम में। तो ये था यूज़र इंटरफेस में चेंजेस। अब बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी की। तो एक्सेसिबिलिटी में दो चेंजेस जो मैंने नोटिस किए हैं वो हैं कि पहला है कि लाइव कैप्शन। अब अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं और आप किसी शोर भरे इलाके में हैं जहाँ पे आप ऑडियो सुन नहीं सकते, आपने अपने हेडफोन्स घर पे छोड़ दिए हैं, या फिर आप किसी ऐसी लैंग्वेज पे वीडियो देख रहे हैं जो आपको समझ नहीं आती, तो वहाँ पे आप किसी भी वीडियो के, अब एंड्रॉयड के अंदर ये फीचर है कि एक्सेसिबिलिटी के जरिए आप किसी भी स्क्रीन पे कोई भी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी वीडियो देख रहे होंगे तो आप लाइव कैप्शंस देख सकते हैं। कैप्शंस यानी कि आपको जो भी वीडियो में बोला जा रहा है वो नीचे स्क्रीन में लिख के आ जाएगा, जिसे आप पढ़ के समझ सकते हैं कि वीडियो में क्या बात हो रही है। दूसरा है साउंड एम्प्लीफिकेशन।
साउंड एम्पलीफिकेशन बेसिकली जब आप किसी शोर भरे इलाके में कोई नॉइजी एनवायरनमेंट में आपने ईयरफोन्स लगा रखे हैं तो आपको अपनी सराउंडिंग्स का एहसास नहीं होता कि आपके आसपास क्या हो रहा है। तो साउंड एम्पलीफिकेशन बेसिकली करता यह है कि आपके माइक्रोफोन से इनपुट लेके आपके आपके म्यूजिक के साथ मिक्स करके आपको सुनाता है। मतलब बेसिकली अगर आप किसी मान लीजिए सड़क पर चलते हुए गाना सुन रहे हैं जो कि नॉट एडवाइजेबल एट ऑल, पर आपके पीछे से अगर कोई हॉर्न बजा रहा है वो आपको ईयरफोन्स की वजह से नहीं सुनाई पड़ रहा है, तो साउंड एम्पलीफिकेशन के जरिए आपको वो हॉर्न थोड़ा थोड़ा सुनाई पड़ेगा और इसकी गेन आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आपको बाहर के जो एनवायरनमेंट का साउंड आ रहा है वो कितने वॉल्यूम में आएगा, मतलब कितना लाउड सुनाई पड़ेगा वो आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, और बाहर का नॉइज कितना आएगा वो भी आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। और ये एक ऐप के जरिए अवेलेबल है जिसे आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लेना। अब अगली कैटेगरी है बेसिकली आपकी सिक्योरिटी अपडेट्स की। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने जब शुरुआत की इस वीडियो की तो मैंने आपको बताया कि एंड्रॉइड 10 अभी पिक्सेल डिवाइसेस में अवेलेबल है 3 सितंबर को, और एसेंशियल डिवाइसेस में अवेलेबल है, और कुछ और एसेंशियल फोन एसेंशियल की डिवाइसेस में अवेलेबल है, और कुछ और मैन्युफैक्चरर्स होंगे जो ये अवेलेबल करा देंगे, जैसे शायद वन प्लस ने अवेलेबल करवा दिया है। तो एंड्रॉयड में जो सॉफ्टवेयर अपडेट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कुछ OEM पे डिपेंड करता है। मतलब आपकी डिवाइस किसने बनाई है, सैमसंग ने बनाई है, LG ने बनाई है, गूगल ने बनाई है, इस पे डिपेंड करता है कि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट कितनी जल्दी मिलेगी। गूगल ने कोशिश की है इस बार की कुछ चीज़ें सॉल्व कर दें, जैसे कि जो सिक्योरिटी अपडेट्स हैं एंड्रॉयड 10 में आपको सिक्योरिटी अपडेट्स सीधे प्ले स्टोर के जरिए मिल जाएगा, क्योंकि प्ले स्टोर हर एक डिवाइसेस में अवेलेबल है, लगभग हर एक डिवाइसेस में अवेलेबल है जब तक कि आप चाइना में ना हो, क्योंकि चाइना में अवेलेबल नहीं है प्ले स्टोर। तो इंडिपेंडेंट ऑफ मैन्युफैक्चरर, आपका मैन्युफैक्चरर कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, प्ले स्टोर आपके डिवाइस में अवेलेबल होगा। तो अगर सिक्योरिटी अपडेट्स आपको प्ले स्टोर के जरिए मिलना शुरू हो जाए तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, एटलीस्ट आपके फ़ोन की सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी, भले ही आपको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स या फिर जो प्लेटफॉर्म इंप्रूवमेंट होते हैं वो आपका कैरियर जब चाहे आपका मैन्युफैक्चरर जब चाहे तब दे, पर सिक्योरिटी अपडेट्स आपको प्ले स्टोर के जरिए अब से मिलना शुरू हो जाएंगी। दूसरा जो अपडेट में एक चेंज किया है गूगल ने वो ये है कि अभी तक क्या होता था, AB पार्टीशनिंग यूज़ कर रहे थे, मतलब एक पार्टीशन में ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो अभी यूज कर रहा है वो डला हुआ है और बैकग्राउंड में दूसरा OS इंस्टॉल हो जाता था, नई अपडेट इंस्टॉल हो जाती थी और जैसे ही आप रिबूट करते हो उस पर स्विच कर जाता है। अभी लाइव अपडेट्स के जरिए आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हो वो उसी वक्त, मतलब जैसे ही अपडेट आई वैसे ही आपने डाउनलोड किया और वैसे ही इंस्टॉल हो गई, रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा अपडेट के लिए। तो लाइव अपडेट से आपको फायदा ये होगा कि अपडेट सीधे इंस्टॉल हो जाएगी, डाउनलोड होने के बाद सीधे इंस्टॉल हो जाएगी जैसे आपके फोन में आएगी, और अगली बार जब आप रीस्टार्ट करेंगे तो आप नए OS पे बूट कर जाएंगे। एक और जो कैटेगरी है वो है डिजिटल वेलबींग। बेसिकली एम ये है कि कैसे आपको आपकी डिवाइस का सेंसिबल यूज़ करने के लिए प्रेरित किया जाए और कैसे आपकी ज़िंदगी में आपकी डिवाइस का इंटरफेरेंस कम से कम रखा जाए। अब डिजिटल वेलबींग में अभी तक क्या था कि वाइंड डाउन फीचर अवेलेबल था, मतलब कि जब आपका बेड टाइम हो रहा है उस वक्त आप डिवाइस से कैसे दूर जा सकें, इसके कई सारे फीचर्स थे, जैसे आपका स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, आपके नोटिफिकेशंस को म्यूट कर देगा, डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे चला जाएगा, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। और दूसरा आप ये देख सकते थे कि आपने कौन से ऐप में कितना टाइम लगाया, तो ताकि आप अगली बार ये डिसाइड कर सके कि कितने आपको कौन से ऐप को कितनी देर तक यूज़ करना है। अब डिजिटल वेलबींग के अंदर कुछ और फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे कि क्वाइट मोड। क्वाइट मोड में क्या है कि आप एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन कौन से एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, और जब आप क्वाइट मोड ऑन करोगे तो उन पर्टिकुलर एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस मिलना बंद हो जाएंगे। तो जो आपके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं, जैसे कि आपके अगर आपको व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप व्हाट्सएप को व्हाइट लिस्ट कर सकते हो, और जब आप डू नॉट डिस्टर्ब जैसा मतलब जब क्वाइट मोड ऑन करोगे तो आपको व्हाट्सएप से तब भी अलर्ट्स आते रहेंगे, पर बाकी के जो नोटिफिकेशन है वो आपको नहीं मिलेंगे, वो तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप क्वाइट मोड ऑफ नहीं करोगे। दूसरा वेलबींग के अंदर, डिजिटल वेलबींग के अंदर ही पेरेंटल कंट्रोल भी इंट्रोड्यूस किया गया है। पेरेंटल कंट्रोल का मतलब क्या है कि अपने बच्चों के डिवाइसेस को, अगर आप पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, तो आप अपने बच्चों के डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। आप बेसिकली ये देख सकते हैं कि आपका बच्चा कौन से ऐप में कितना टाइम लगा रहा है, आप उसकी लोकेशन को देख सकते हैं कि अगर खुदा ना खासा कभी आपका बच्चा मिसिंग हो तो आप, और उसके पास अगर आपका कोई फ़ोन है जो आपके पेरेंटल कंट्रोल में है, तो आप लोकेशन को देख सकते हैं कि बच्चा कहाँ पर है। इस तरह के कुछ फीचर्स डिजिटल वेलबींग में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो एंड्रॉयड 10 के साथ मेरा जो अभी तक का अपडेट्स हैं वो ये हैं। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ एंड्रॉयड 10 के बारे में। इससे पहले भी मैंने एंड्रॉयड क्यू के बारे में एक वीडियो बनाया था। लाइक करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कॉमेंट्स में मुझे बताइए कि अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है, और दोस्तों शेयर करिए इस वीडियो को, जो भी एंड्रॉयड 10 के बारे में इंटरेस्टेड है चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।